अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का हमारा वीडियो है। इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस बनाने हैं इसके, मतलब हर क्वेश्चन का या एक दो क्वेश्चन के एक वीडियो या एक क्वेश्चन का एक वीडियो बनाना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें बताना है कि ये किस टाइप की मैट्रिसेस हैं, ठीक है, इनके नाम क्या हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स है 3 0 0 0 -1.2 0 0 0 √5, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पर डायगोनली नंबर्स हों बाकी सारे जीरो हों, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स हैं पर डायगोनल पे कोई भी जीरो नहीं है, मतलब सारे जीरो नहीं है। उसके बाद हमारा ये है √3 √3 √3 बकाया सारे जीरो हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। सारे डायगोनल पे सेम नंबर होंगे तो वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स होगी, बकाया जीरो होने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं, ये भी सेम है हमारी ए ए ए बकाया सारे जीरो हैं, ये भी हमारी स्केलर मैट्रिक्स में आती है। उसके बाद हम आते हैं, ये 2x2 की है एक मैट्रिक्स, 2 -2 बकाया सारे जीरो हैं। तो भी हमारी क्या ही क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, मतलब डायगोनल पे सारे नंबर हैं बकाया सारे जीरो हैं, 2x2 की इस तरीके की बनेगी, ठीक है। और ये है हमारी, यहाँ पर देखें क्या है हमारा 1 1 1 1 1, ये डायगोनली पर 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि डायगोनल पे क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, बाकी ये सारे जीरो होना चाहिए। तो ये भी हमारी आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है। सो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।